रीसेंट कुछ दिनों के अंदर हमने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें कार चलते चलते जल रही हैं। कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं या बस जल ही रही हैं। और लास्ट दो इंसिडेंट्स टाटा हैरियर के हमारे सामने आए थे जिसमें एज पर ओनर्स कोई भी एक्सटर्नल एक्सेसरी कार में नहीं। हालांकि एक इंसिडेंस में गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद आग लगी जिसमें उससे पहले केबिन में फाउल स्मेल भी आ रही थी जो पेट्रोल की हो सकती है, मतलब ड्यू टू रेड बाइट फ्यूल लाइन कटने की वजह से एक्सीडेंट इंपैक्ट की वजह से आग लगने के चांसेस है। अनफॉर्चुनेटली आज एक और ऐसा ही मामला सामने है जहां एक टाटा पंच जिसे लिए करीब बस एक महीना ही हुआ था ऐसी नई गाड़ी में भी आग लग गई। डिटेल्स रश लेन ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए हैं। मिस्टर प्रबल बोर्डिया जो टाटा पंच अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के ओनर हैं, उन्होंने यह बताया कि उन्होंने बस एक महीने पहले ही नई टाटा पंच खरीदी थी और हाईवे पर ड्राइव करते वक्त अचानक से बोनट में आग लगी और कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी गाड़ी जल के खाक हो गई। लकीली वो और उनकी पूरी फैमिली टाइम से गाड़ी से उतर गए और कोई भी यहाँ सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। मिस्टर प्रबल ने यहाँ बस एक बात बोली कि यहाँ किसी फॉल्टी पार्ट की वजह से लगी और बहुत ज़रूरी हो जाता है इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई और इंसिडेंस देखने को ना मिले और टाटा मोटर्स भी इसकी जाँच करे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ उन्होंने FIR भी फाइल कर दी है। लकीली किसी को कोई मेजर इंजरीज नहीं आई और कार में आग लगते ही सबसे पहले आपको गाड़ी से उतरना ज़रूरी है क्योंकि अगर आग एक दो मिनट के अंदर ना बुझाई जा सकी तो कुछ सेकंड का खेल और होता है कि कार जल के पूरी खाक हो जाए। आपको भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यही करना है, साथ में गाड़ी में एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर लेके चलना चाहिए। बात करी जाए इस एक्सीडेंट की तो नई एक महीने पुरानी गाड़ी में ऐसा आग लगना बहुत ही अनयूजुअल है जब तक कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ना लगाई गई हो। बाकी इस केस में बताया गया कि बोनट से फायर स्टार्ट हुई तो दावे के साथ कुछ कह पाने की आग क्यों लगी ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग पाएगा। टाटा मोटर्स को इसकी जांच जल्द से जल्द करना ज़रूरी है ताकि कोई और ऐसा केस वापस सामने ना आए। और इन केस किसी ऐसे रीज़न से आग लगी है जिसमें कार के OEM पार्ट का कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है तो वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बट रिसेंटली टाटा की इन दो तीन कार में आग लगने का ये मामला कुछ सवाल ज़रूर खड़े करता है। आप क्या क्या सोचना है कि किस वजह से टाटा पंच में यहाँ आग लग सकती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि टाटा मोटर्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके और जल्द से जल्द इन मामलों की जांच करी जा सके। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ, जय हिंद। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ उन्होंने FIR भी फाइल कर दी है। लकीली किसी को कोई मेजर इंजरीज नहीं आई और कार में आग लगते ही सबसे पहले आपको गाड़ी से उतरना ज़रूरी है क्योंकि अगर आग एक दो मिनट के अंदर ना बुझाई जा सकी तो कुछ सेकंड का खेल और होता है कि कार जल के पूरी खाक हो जाए। आपको भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यही करना है, साथ में गाड़ी में एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर लेके चलना चाहिए। बात करी जाए इस एक्सीडेंट की तो नई एक महीने पुरानी गाड़ी में ऐसा आग लगना बहुत ही अनयूजुअल है जब तक कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ना लगाई गई हो। बाकी इस केस में बताया गया कि बोनट से फायर स्टार्ट हुई तो दावे के साथ कुछ कह पाने की आग क्यों लगी ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग पाएगा। टाटा मोटर्स को इसकी जांच जल्द से जल्द करना ज़रूरी है ताकि कोई और ऐसा केस वापस सामने ना आए। और इन केस किसी ऐसे रीज़न से आग लगी है जिसमें कार के OEM पार्ट का कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है तो वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बट रिसेंटली टाटा की इन दो तीन कार में आग लगने का ये मामला कुछ सवाल ज़रूर खड़े करता है। आप क्या क्या सोचना है कि किस वजह से टाटा पंच में यहाँ आग लग सकती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि टाटा मोटर्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके और जल्द से जल्द इन मामलों की जांच करी जा सके। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ, जय हिंद।